हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप इस समय देख रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत लोगों की जान जा रही है। कोरोना तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण दोस्तों उनकी मौत हो रही है। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझना है, देख सकते हैं आज न्यूज़पेपर में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से जरूर शेयर किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वाधिक चिंता इस समय दोस्तों ऑक्सीजन की है। ठीक है, विशेषज्ञों ने दोस्तों यहाँ पर सांस लेने के तरीके की बेहतर बनाने के ये उपाय दोस्तों आपको बताए हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हेडलाइन में, नाक से सांस लेने पर दोस्तों आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और कोरोना से लड़ाई में इसे संजीवनी माना जा रहा है। दोस्तों, यदि आपको पता हो, अभी कल परसों ही US की एक संस्था है, उन्होंने अभी क्या कहते हैं एक प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने बताया कि यदि आप नाक से नाइट्रिक ऑक्साइड को लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है दोस्तों, आप जो विक्स यूज करते हैं, विक्स को जब आप नाक में लगाते हैं दोस्तों, उससे आपको होता क्या है, उससे यदि आपके नाक बंद होती है दोस्तों, खुल जाती है, और आप जो विक्स का एक इनहेलर टाइप का आता है दोस्तों, उसमें जब आप अंदर की तरफ खींचते हैं दोस्तों, उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर जाती है, जो आपके रास्ते को साफ करती है नाक के। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना है कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हमारी जो है सांस लेने की क्षमता और जिससे ऑक्सीजन की कमी न होने पर वो अच्छी रही आएगी। दोस्तों, इस समय ऑक्सीजन की कमी एक दोस्तों बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों इतना बड़ा देश है, समस्याएँ बहुत हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन न मिलने कारण सैकड़ों लोग दोस्तों मर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सांस के तरीकों में दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। दुनिया में 11 ऐसे अध्ययन चल रहे हैं जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड में दोस्तों कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है। दोस्तों, दुनिया में मशहूर किताब बीद ब्रीथ द न्यू साइंस ऑफ द एट लास्ट के लेखक दोस्तों जेम्स निस्टर कहते हैं, नाक से सांस लेना सबसे बेहतर है। दोस्तों, मुंह से सांस लेना यानी हवा में मौजूद सब कुछ अंदर खींच लेता है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, बहुत ही बेसिक बात है, जो कोई सेना में जाना चाहता है या पुलिस में जाना चाहता है, तो अक्सर आपने देखा होगा जब वो दौड़ता है, जब वो रनिंग करता है दोस्तों, उसे आप देखते हैं मुंह बंद रखता है और नाक से ही सांस लेता है। उससे होता क्या है दोस्तों, नाक से सांस लेंगे तो आपका लंग्स फूलते नहीं, यदि आप मुंह से सांस लेते हैं दोस्तों, आपकी सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है। नाक से सांस लेने पर दूसरा फायदा ये होता है, जो भी क्या कहते हैं डस्ट वगैरह है, जो छोटे छोटे गंदगी होती है दोस्तों, नाक से आप जब सांस लेते हैं तो वो वहीं पर रुक जाती है नाक में। नाक में जो दोस्तों बाल होते हैं, उन्हीं बालों में दोस्तों डस्ट है या अन्य जो ख़राब चीज़ें होती है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें पार्टिकल्स जो है यहीं पर रुक जाती हैं, और आपके अंदर जो सांस जाती है दोस्तों वो फ्रेश और अच्छी सांस जाती है, साफ सांस जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों क्या क्या आपको करना है। दोस्तों, मुँह बंद करें और नाक से सांस लें, आपको सबसे पहले ये करना है। मुंह से सांस लेने में दोस्तों आप देख सकते हैं शरीर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिगड़ता है, इससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और नींद खराब होती है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग मुंह से ज़्यादा सांस ले रही है। दोस्तों, आपको समझना होगा, मुंह बंद कर करके आपको नाक से ही सांस लेनी है। ठीक है, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो नाक फिल्टर का काम करती है दोस्तों, यह ऑक्सीजन को गर्म और गीला करती है, यह फेफड़ों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। नाक से सांस लेते समय नाइट्रिक ऑक्साइड का इंटेक बढ़ता है, यह एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें रक्त धमनियाँ खुलती हैं और शरीर में रक्त, ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। दोस्तों, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाक से सांस लेना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस लें। सांस को धीरे धीरे लेना दोस्तों एक एक्सरसाइज कही जाती है। आप नाक से 5 से 6 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे खींचें और फिर नाक से ही 5 से 6 सेकंड तक सांस को वापस छोड़ें। इससे भले ही सांस कम लेंगे, लेकिन गहरी और अच्छी सांसें लेंगे दोस्तों। इसके बाद टेनिस बॉल से शरीर पर मसाज। सांस लेते समय दोस्तों आप क्या करना है कि गर्दन, कंधे, अपर चेस्ट और पीठ के हिस्से की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है कि सांस लेने की प्रक्रिया पर इससे दोस्तों असर पड़ता है। इससे बेहतर करने के लिए आप कभी कभी शरीर के ऊपरी भाग में टेनिस बॉल से मसाज कर सकते हैं। टेनिस बॉल जो आती है दोस्तों, जिससे मैच खेलते हैं आप, उसमें क्या कहते हैं, उससे आप मसाज कर सकते हैं आपको ऊपरी भाग में चेस्ट की तरफ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको और क्या करना है बेहतर सांस के लिए, क्या आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कोशिश करें कि साइड करवट लेकर सोएं। दोस्तों, हमेशा आप ये तो सीधे या तो आप पेट के बल सोते हैं या आप क्या कहते हैं पीठ के बल सोते हैं दोस्तों, लेकिन इस करना क्या है कि आपको करवट लेकर ही सोना, यानी साइड करवट या बाएं हाथ की तरफ या दाहिने हाथ की तरफ ऐसे आपको लेटना है। इससे रीढ़ ज़्यादा सीधी रहती है और बेहतर सांस आएगी। आपको भोजन में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स लेने होंगे। ठीक है, जैसे कि पालक, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी
और डार्क चॉकलेट जैसी चीज़ें आप दोस्तों खा सकते हैं। लाइफ स्टाइल में दोस्तों आप बदलाव करें, अच्छा भोजन करें और वजन को नियंत्रित रखें। सबसे ज़्यादा दोस्तों वजन के कारण ही समस्याएँ आ रही हैं, जिनको वजन की समस्या है अधिकतर उन्हें बीपी की समस्या हो जाती है, शुगर की समस्या रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण दोस्तों कोरोना यदि हो जाता है तो उन्हें आर्थिक से बहुत ज़्यादा सीरियर कंडीशन उनकी हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पर सब जो आप इस बार इस समय लगातार सुनते आ रहे हैं विभिन्न साइंटिस्ट विभिन्न माध्यमों के द्वारा कि उल्टा लेग कर नाक से लंबी सांस लें, ये तो दोस्तों आपको अपने सांस को बढ़ाना है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है तो आपको उल्टा लेट जाना है, पेट के पास एक तकिया लगानी है और आपको एक अपने क्या कहते हैं छाती यानी सीने के पास एक लगानी है दोस्तों। यहाँ से आपको होगा क्या, जब आप उल्टा लेट जाएंगे नाक से लंबी सांस लें दोस्तों, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन का सिचुएशन बढ़ता है। अगर ऐसा करने से भी आपको दोस्तों सिचुएशन नहीं मिलता है तो फिर आपको इसे गंभीर मानते हुए दोस्तों डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप लोगों को जो मैंने बताया कि आपका ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का उसमें क्या योगदान है। दोस्तों कैसे लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों 1 मई से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ताकि हम इस बीमारी को बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ सकें, जीत सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।